इंडेक्स फॉर्मूला पे अगर हमें काम करना है तो इंडेक्स पे वर्क करने के लिए हमने यहाँ से इंडेक्स फॉर्मूला देखिए क्या क्या काम करता है। इंडेक्स हमारा जो भी है ये पूरा का पूरा एरे लेगा, रेफरेंस लेगा, और इसके बाद हमारे पास इसमें रो नंबर पास करना होता है और कॉलम नंबर पास करना होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये डाटा हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करेंगे तो पूरा टोटल जितने भी रो होंगी वो डाटा का सेलेक्ट कर लेगा। देन कॉमा करेंगे, रो नंबर्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन से रो का डाटा चाहिए। अगर अभी हम यहाँ पे फर्स्ट रो की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है और ये हमारा थर्ड रो है। तो अभी मैं फर्स्ट रो पास करूंगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारा हो जाएगा 12 वाली जो रो दे रखी है, तो यहाँ पे हमने दे दिया फर्स्ट रो। और कॉलम नंबर हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर जो दिया है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमने यहाँ से कॉमा करके थर्ड दिया। तो ये हमें क्या करेगा, ये वैल्यू हमें 12 वाली रो में जो थर्ड वाले कॉलम्स में जो डाटा मिलेगा दैट मीन्स लास्ट नेम, ये हमें रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे हमें ये लास्ट नेम रिटर्न करके दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हमें ये पर्टिकुलर रो और कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे इंडेक्स फॉर्मूला में, तो वो क्या करेगा उस पर्टिकुलर रो और कॉलम की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो जैसे अगर हम दोबारा इंडेक्स फॉर्मूला इस्तेमाल करें और ये टेबल एरे हमने यहाँ से दे दिया और फिर कॉमा करके अगर हमने थर्ड रो फिफ्थ सिक्स कॉलम दे दिया तो ये हमें क्या करेगा थर्ड रो सिक्स कॉलम की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो थर्ड रो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, सेकेंड थर्ड, थर्ड रो हमारे पास हो गया सिक्स कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेकेंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ पे थर्ड रो सिक्स कॉलम की बात करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, तो ये हमें 25 वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इंडेक्स हमारा फॉर्मूला क्या करता है कि हमें एक पर्टिकुलर टेबल एरे यहाँ पे पास किया जाता है और उस टेबल एरे के आपको नंबर ऑफ रो बताना होता है और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बताने पड़ते हैं और उसी पर्टिकुलर वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। अगर हमें इस वैल्यू को अगर हमें फेच करना है इंडेक्स फंक्शन के थ्रू तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को अगर हमें फेच करना है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा जो है नंबर ऑफ रो में ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन, एलेवन से हमारे जो हो जाएगी रो, और ऐसे ही हमारा कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, 11.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करें एक बार इक्वल टू इंडेक्स टेबल एरे हमने यहाँ से पास किया और फिर से कॉमा किया 11, कॉलम नंबर हमारा कौन सा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ वाला हमारा कॉलम नंबर था और 11 हमारा रो नंबर था। और फिर से ब्रैकेट बंद करेंगे एंटर करेंगे तो हमारे पास ये ग्रेट ब्रिटेन ये हमारे वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इंडेक्स वाला जो हमारा फॉर्मूला है कुछ इसी तरीके से काम करता है कि आपको नंबर ऑफ रो बताना पड़ेगा कि कौन से रो में की वैल्यू चाहिए और कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए और किस रेंज में चाहिए। पहले हम रेंज बताते हैं देन नंबर रो नंबर बताएंगे देन कॉलम नंबर बताएंगे, तो हमें ये स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न कर देगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स में। नॉर्मल जो हमारे पास रेंज सेलेक्ट करते हो वहाँ पे अगर हम बात करें सिंगल एरिया के लिए तो ये पहला वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर हमें डबल एरिया जैसे एरिया फर्स्ट एरिया सेकेंड की बात करें तो इस केसेस में हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पे दिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट एरिया दो एरिया सेलेक्ट करना है, एक स्मॉल ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो स्मॉल ब्रैकेट हमने लगाया तो फर्स्ट एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद देन कॉमा लगाएंगे देन हम यहाँ से क्या करेंगे दूसरा
एरिया सेलेक्ट करेंगे, और फाइनली उसके बाद एरिया जितने भी एरिया होंगे उतना एरिया देने के बाद, जैसे 1 2 3 जितने भी होंगे, कॉमा लगा लगा करके हमें यहाँ पर ब्रैकेट में पास करना है। तो ये जो हमारा है, दोनों ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर दोनों एरिया हमने पास कर दिया है। देन फाइनली हम यहाँ से क्या करेंगे कि रो नंबर पास करेंगे। अगर हमने 1 कॉमा 1 की बात करते हैं तो ये हमें सीरियल नंबर देगा और ये हमें कंट्री देगा। तो यहाँ पे हमें डिपेंड करेगा कि हम एरिया नंबर कौन सा दे रहे हैं। अगर 1 पास करेंगे तो सीरियल नंबर देगा, 2 पास करेंगे तो हमें कंट्री देगा। तो यहाँ से हम 2 पास करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे कंट्री रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने 1 कॉमा 1 दिया था। और इसी केस में अगर मैंने यहाँ पे 1 पास किया होता तो ये फर्स्ट वाले एरिया में क्या करता, सीरियल नंबर रिटर्न करके देता। और इसी में अगर हमने 1 कॉमा 1 की जगह पे अगर हमने 2 कॉमा या 3 कॉमा 2 किया होता, 3 कॉमा 2 करेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एरिया में से, एरिया फर्स्ट में से थर्ड रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स जिसका सीरियल नंबर 2 है और सेकंड कॉलम में आपको ये दे देगा मीरा, यहाँ पे मारा दिया तो मारा आएगा, तो इस तरीके से आएगा। और अगर हमने इसी में जस्ट फर्स्ट एरिया की जगह पे अगर हमने सेकंड एरिया पास किया होता तो ये आपका थर्ड रो में ये आपका ग्रेट ब्रिटेन आ जाता, सेकंड कॉलम में आपका 25 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम दिया है और सेकंड एरिया में तो 25 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा इंडेक्स काम करता है। अगर हम मल्टीपल एरिया में लगाना है तो ध्यान देना होता है कि हमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जितने रेंज पास करने हैं उतने रेंजेज हम पास करेंगे। थर्ड रेंज पास करना तो कॉमा करके थर्ड रेंज हम यहाँ से पास कर देंगे, थर्ड रेंज हमने ये ले लिया। अब थर्ड रेंज में अगर हमें यहाँ पे देना होगा तो हम यहाँ से पास करेंगे थर्ड, यहाँ पे 2 की जगह पे थर्ड पास करेंगे। तो अब ये इसमें सर्च नहीं करेगा ना, तो इसमें करेगा सर्च, इसमें करेगा क्या सर्च करेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो हमारा कौन सा है, 12 वाला सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में ये है तो फ्रैंकलिन दिया है, तो ये आपका रिटर्न कर देगा इस तरीके से। तो हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा एरिया में कौन सा रो कौन सा कॉलम देना है। और अगर हमें मल्टीपल एरिया है तो ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ हमें पास करना होता है, और देन उसके बाद रो कॉलम आपको डिसाइड करना रहता है।